नमस्कार शिक्षक साथियों, एनआवएस के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के डॉक्टर गौरव सिंह जी हैं। नमस्कार गौरव सिंह सर। नमस्कार ऋषभ जी। आज आप हमारे साथ कंप्यूटर सह अधिगम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी आपकी इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर सह अधिगम क्या है। ऋषभ जी, जब हम कंप्यूटर सह अधिगम की बात करते हैं तो एक चीज़ तो हमारे विद्यार्थियों को और शिक्षार्थियों को और शिक्षक साथियों को स्पष्ट हो जाती है कि अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग परम आवश्यक है। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार से हो सकता है कंप्यूटर सह अधिगम एक ऐसी अंतःक्रियात्मक तकनीक है जिसमें अनुदेशन सामग्री के प्रस्तुतिकरण, अधिगम के अनुश्रवण अर्थात मॉनिटरिंग तथा किसी अभ्यर्थी की व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त अनुदेशन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये तो पारिभाषिक शब्दावली की बात हुई, परंतु यदि हम इसको और स्पष्ट ढंग से समझना चाहें तो पहली चीज तो यह है कि कंप्यूटर सह अधिगम में अंतःक्रियात्मकता एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अंतःक्रियात्मकता का अर्थ है कि जैसे कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, एक दूसरे को पृष्ठ पोषण देते हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करता है, ये सब अंतःक्रियात्मकता के तत्व हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली में जब कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चूंकि कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली के प्रयोग में अध्यापक उपस्थित नहीं होता, लेकिन अध्यापक के रूप में कंप्यूटर आधारित यह प्रणाली निरंतर शिक्षार्थी को अंतःक्रियात्मकता के अवसर उपलब्ध कराए। दूसरा बिंदु जो है वह है अनुदेशन सामग्री का प्रस्तुतीकरण। मूलतः अनुदेशन सामग्री का प्रस्तुतीकरण कक्षा में अध्यापक के द्वारा किया जाता है या विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक से अनुदेशन सामग्री को ग्रहण करते हैं, परंतु कंप्यूटर सह अधिगम में कंप्यूटर आधारित विभिन्न प्रोग्राम और विभिन्न प्रणालियों के प्रयोग से हम एक ही प्रकार की सामग्री का भिन्न स्वरूपों में प्रस्तुतीकरण करते हैं। तीसरा इसका लक्षण है अधिगम का अनुश्रवण अर्थात मॉनिटरिंग। बच्चे कितना सीख रहे हैं, कक्षा में अध्यापक का भी यही कार्य है कि जब अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वह ये देखता है कि हमारे विद्यार्थी मेरे पढ़ाने के साथ साथ कितना सीख रहे हैं और उसका अनुश्रवण करता है। वो कम सीख रहे हैं तो उसके अनुसार अपनी गति को परिवर्तित करता है, उसके अनुसार विषय वस्तु को परिवर्तित करता है, उसके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। उसी प्रकार यह कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली अधिगम के अनुश्रवण का काम भी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति, सीखने की क्षमता और सीखने की शैली ये सब भिन्न होती हैं। तो जब ये भिन्न होती हैं तो या यूं कहें कि प्रत्येक बालक अपने व्यक्तिक स्वरूप में जो जैसे सीखता है वह उसकी सीखने की प्रक्रिया अपने आप में अद्वितीय होती है। तो प्रत्येक को उसकी व्यक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण सामग्री मिले और यदि वह शिक्षण सामग्री कक्षा में पूरी कक्षा के लिए जब सामूहिक तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं तब उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसको अतिरिक्त प्रयासों के रूप में यह शिक्षण सामग्री दी जाए, इस रूप में भी हम कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आपने मूल शब्दों के माध्यम से विषय पर प्रकाश डाला। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली परंपरागत शिक्षण से किस प्रकार भिन्न होती है। आपका प्रश्न बहुत उचित है ऋषभ जी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे अध्यापक साथियों को यह जानना परम आवश्यक है कि वे जो परंपरागत शिक्षण करते हैं उस परंपरागत शिक्षण से यह शिक्षण किस प्रकार भिन्न है। जैसे परंपरागत शिक्षण में क्या होता है, परंपरागत शिक्षण में एक अध्यापक विद्यार्थियों के समूह को अपने लिखित या पुस्तकीय ज्ञान की सहायता से विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, अर्थात वहां पर एक अध्यापक की भूमिका विषय वस्तु के प्रस्तोता की होती है, कंटेंट प्रोवाइडर की होती है। जबकि जब हम कंप्यूटर सह शिक्षण में देखते हैं तो वहां पर विषय वस्तु तो कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अर्थात वहां से अध्यापक की भूमिका विषय वस्तु प्रदाता की नहीं होती। तो वह किस भूमिका में होता है, वह होता है उनको प्रोत्साहन दाता की भूमिका में। जब शिक्षार्थियों को कंप्यूटर द्वारा शिक्षण करना है तो एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को
कंप्यूटर के शिक्षा में उपयोग हेतु, स्वाध्ययन हेतु प्रेरित करता है और उनको उसका प्रयोग कैसे अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं इसके लिए वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यदि हम परंपरागत शिक्षण और कंप्यूटर से अधिगम शिक्षण में भिन्नता को देखें विभिन्न आयामों पर, तो इसके विविध आयाम हो सकते हैं। जैसे दोनों में शिक्षक की भूमिका क्या है, दोनों में विद्यार्थी की भूमिका क्या है, दोनों में विषय वस्तु किस प्रकार की होती है और दोनों में अधिगम हेतु प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है। जहां तक शिक्षक की भूमिका की बात है, अभी मैं इस पर स्पष्ट बता चुका हूं कि परंपरागत शिक्षण में शिक्षक की भूमिका एक विषय वस्तु प्रदाता की होती है, जबकि कंप्यूटर सहाय अधिगम में एक शिक्षक की भूमिका एक प्रोत्साहक की होती है। जब विद्यार्थी की भूमिका की हम बात करें, तो जो कक्षा कक्ष परंपरागत शिक्षण है उसमें आप मेरी बात से सहमत होंगे कि विद्यार्थी एक प्रकार से सुग्राही होता है, ग्राही होता है, अध्यापक उनको कुछ प्रदान करता है और वो उसको ग्रहण करता है। अर्थात एक शिक्षार्थी की भूमिका, एक विद्यार्थी की भूमिका सामान्यतः कुछ ग्रहण करने वाले की होती है, जबकि कंप्यूटर सहाय अधिगम में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। विषय वस्तु की यदि हम बात करें, तो कई बार जो परंपरागत शिक्षण है उसमें जो विषय वस्तु विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है वो मुख्यतः सैद्धांतिक प्रकृति की होती है, जबकि कंप्यूटर सहाय अधिगम में जो विषय वस्तु प्रदान की जाती है वह मुख्यतः एक तो वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है, बालक के चारों ओर जो वातावरण है उससे उदाहरण लिए जाते हैं उन पर आधारित होती है, और चूंकि वह विषय वस्तु को स्वयं ग्रहण करता है इसलिए विषय वस्तु ग्रहण करने में वास्तविकता प्रधान हो जाती है। चौथा आयाम है दोनों में भिन्नता का, अधिगम हेतु प्रोत्साहन। जैसा कि आप जानते हैं परंपरागत शिक्षण में सामान्यतः विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, तो विषय वस्तु की क्रमबद्धता ये भी प्रोत्साहन का एक आयाम होती है कि मुझको पहले चैप्टर कौन सा पढ़ना है, फिर कौन सा पाठ पढ़ना है, फिर कौन सा पाठ पढ़ना है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है। जबकि कंप्यूटर सहाय अधिगम में चूंकि विद्यार्थी की गति के अनुसार शिक्षण होता है, विद्यार्थी की रुचि के अनुसार शिक्षण होता है, इसलिए वहां पर प्रोत्साहन के लिए जो प्रमुख कारक होता है वह होता है सीखने की ललक और समस्या समाधान की ललक, क्योंकि वहां वस्तुतः जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है वो समस्याओं के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो विद्यार्थी उनके समाधान के लिए प्रयास करता है, इसलिए उसको जो समस्या समाधान करने की ललक है वो ललक मुख्यतः अधिगम के लिए प्रोत्साहन का काम करती है। तो जब हम परंपरागत शिक्षण से भिन्नता देखते हैं कंप्यूटर सहाय अधिगम की, तो हम पाते हैं वहाँ शिक्षक की भूमिका में भिन्नता है, वहाँ विद्यार्थी की भूमिका में भिन्नता है, वहाँ विषय वस्तु के प्रकृति में और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के तरीके में भिन्नता है, और साथ ही अधिगम हेतु जो प्रोत्साहन के कारक हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। आपने विस्तार से बताया कि किस प्रकार कंप्यूटर सहाय अधिगम परंपरागत शिक्षण से भिन्न है। इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कंप्यूटर सहाय अधिगम के क्या लाभ होते हैं। लाभों पर चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि हमें कंप्यूटर सहाय अधिगम के कुछ अनुप्रयोगों पर दृष्टि डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके अनुप्रयोगों पर दृष्टि डालेंगे तो फिर हमें लाभ को समझने में आसानी रहेगी। सामान्यतः कंप्यूटर सहाय अधिगम का प्रयोग एक तो दूरस्थ अधिगम में और दूरस्थ शिक्षा में बहुतायत किया जाता है, और ये दोनों रूप में किया जाता है। वेब आधारित शिक्षा के रूप में, अर्थात जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सहाय अधिगम के लिए, और वेब रहित शिक्षा के रूप में, अर्थात जब हम कंप्यूटर या वीडियो टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग करते हैं, वीडियो तकनीक का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक चीज तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाती है कि जब कंप्यूटर सहाय अधिगम के अनुप्रयोगों की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सहाय अधिगम के दोनों प्रकार के अनुप्रयोग दूरस्थ अधिगम और शिक्षा में होते हैं, एक तो इंटरनेट और वेब आधारित शिक्षा प्रणाली के रूप में, और दूसरा बिना इंटरनेट के कंप्यूटर और वीडियो टेक्नोलॉजी के रूप में। मैं एक उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए आप किसी बच्चे को विज्ञान का या पर्यावरण अध्ययन का एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप जल के अनुप्रयोग या जल विषय से संबंधित पाठ कंप्यूटर सहाय अधिगम के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कंप्यूटर सहाय अधिगम में। एक, उसको जल के विभिन्न अनुप्रयोगों, जल के स्रोतों, जल में पाए जाने वाले घटकों, जल में पाए जाने वाले जीवों, अच्छे जल और प्रदूषित जल के बीच अंतर, भारत में पेयजल की समस्या, इससे संबंधित कुछ चित्र, कुछ वीडियो क्लिप्स जो तमाम जगह उपलब्ध हैं
उनको मिलाकर एक प्रोग्राम बनाएं और वो प्रोग्राम एक सीडी के माध्यम से विद्यार्थी तक पहुंचा दें। जब विद्यार्थी इस प्रकार विकसित कंप्यूटर से अधिगम प्रारूप से अध्ययन करेगा तो उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यदि इसी विषय पर आप एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप करें जिसमें विद्यार्थी इंटरनेट पर आए, वो लॉगिन करे, उसको एक निश्चित समय दिया जाए, उस समय जो प्रसारण हो रहा है या जो भी अध्यापक या विशेषज्ञ वहाँ चर्चा कर रहे हैं वो उस चर्चा को सुने, ठीक। तो उसको एक इस तरह से कहते हैं कि कंप्यूटर से दो प्रकार का अधिगम होता है, एक होता है समकालिक और एक होता है विषमकालिक, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो जो इंटरनेट आधारित शिक्षण है वो कई बार समकालिक हो जाता है, सिंक्रोनस होता है कि उसी समय होना चाहिए, जबकि वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें एसिंक्रोनस नहीं हो सकता, विषमकालिक नहीं हो सकता। लेकिन जो कंप्यूटर पर इंटरनेट रहित अधिगम है वह अधिकांशतः विषमकालिक होता है। दूसरा है कंप्यूटर माधृत कोर्सवेयर के रूप में, पूरे पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी विषय वस्तु में बांटकर उसमें कुछ प्रश्न जोड़कर उसको एक निश्चित क्रम में समायोजित कर दिया जाता है। मुख्यतः ये जो स्किनर का सिद्धांत था, प्रोग्राम लर्निंग का सिद्धांत, प्रोग्राम अधिगम का सिद्धांत, उस कार्यक्रमित अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित कोर्सवेयर विकसित किए जाते हैं, तो उस रूप में भी कंप्यूटर से अधिगम का प्रयोग होता है। ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में कंप्यूटर से अधिगम का प्रयोग होता है, या कई बार क्या होता है कि यदि एक स्रोत से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है तो जो इस प्रकार के अनुप्रयोगों को कर रहे हैं शिक्षक वह एक से ज्यादा अनुप्रयोगों को एक साथ जोड़कर इनका समन्वित रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ मुख्य अनुप्रयोग हैं। अब यदि हम इन अनुप्रयोगों को देखें तो हमें प्राप्त होगा कि कंप्यूटर सहाय अधिगम से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। जैसे पहला लाभ है कि कंप्यूटर सहाय अधिगम सूचना प्रदान करने के एक से अधिक माध्यम उपलब्ध कराता है। एक से अधिक माध्यम की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमको सीडी के रूप में भी सूचना प्राप्त होती है, उसके माध्यम से हम चित्र भी भेज सकते हैं, उसके माध्यम से हम वीडियो भी भेज सकते हैं, उसके माध्यम से हम किसी का लेक्चर, किसी का भाषण भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी के कोई विशेषज्ञ है जो उस क्षेत्र का, उसके विचारों को भी हम रिकॉर्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूचना प्रदान करने के लिए आपके पास केवल पुस्तक ही माध्यम नहीं रह जाती, केवल अध्यापक की कक्षा में दिया गया भाषण ही माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि सूचना प्रदान करने के विभिन्न माध्यम इसमें जोड़े जा सकते हैं। दूसरा क्या अच्छा लाभ इसका यह है कि ये विभिन्न अधिगम शैलियों वाले बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि कक्षा में बच्चों की अधिगम शैलियां भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो वह प्रयास करता है उस अधिगम शैली वाले बच्चों को लाभ पहुंचाने की जिस अधिगम शैली को अधिकांश बच्चे अपनाते हैं, क्योंकि वह एक सामूहिक अधिगम शैली का प्रयास करता है। वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन प्रत्येक बच्चा सीखता अलग अलग प्रकार से, अधिगम अलग अलग प्रकार से करता है। तो कंप्यूटर सहाय अधिगम जो है वह भिन्न अधिगम शैलियों वाले बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। तीसरा इसका लाभ यह है कि विद्यार्थी इसमें अपनी गति से अधिगम कर सकते हैं, उनकी सीखने की जो गति है वह भिन्न भिन्न हो सकती है। जो धीरे धीरे पढ़ना चाहता है वो धीरे धीरे पढ़ सकता है, जो एक साथ ज्यादा विषय वस्तु पढ़ना चाहता है वो एक साथ ज्यादा विषय वस्तु भी पढ़ सकता है। तो विद्यार्थी अपनी गति से अधिगम कर सकते हैं, और ये इसलिए भी संभव है क्योंकि अधिकांश कंप्यूटर सहाय अधिगम प्रणालियों में हम विषय वस्तु को सीडी रोम में या किसी भी रूप में विद्यार्थी के कंप्यूटर पर उपलब्ध करा देते हैं। फिर विद्यार्थी अपने को जब समय उपलब्ध है तब, उसे जब इच्छा है तब, या वो जितनी मात्रा में पढ़ना चाहता है उतनी मात्रा में इससे सीख सकता है। इसमें अंतःक्रियात्मकता होती है, जिसकी बात मैंने पहले भी की कि अंतःक्रियात्मकता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती भी है उनके लिए जो कंप्यूटर सहाय अधिगम प्रणाली पर आधारित विषय वस्तुओं को तैयार करते हैं। साथ ही कंप्यूटर सहाय अधिगम प्रणाली से जब बच्चे सीखते हैं तो इसकी जो आकलन प्रक्रिया होती है वो भी आसान होती है। इसमें एक तो स्व आकलन की व्यवस्था की जाती है, अभी जब हम विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सहाय अधिगम पर चर्चा करेंगे तब इस पर आगे बढ़ेंगे विस्तार से, कि स्व आकलन का इसमें समावेशन होता है और साथ ही इसमें लचीलापन होता है। तो ये कंप्यूटर सहाय अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। इसके साथ ही परंपरागत कक्षा कक्ष शिक्षण और अधिगम सामग्री को एक अतिरिक्त मदद मिल जाती है। यदि शिक्षक ये चाहे कि वो सामान्य पद्धति से भी पढ़ाता रहे और यदि उसके पास व्यवस्था है वह कंप्यूटर सहाय अधिगम को भी इस्तेमाल करे, तो कंप्यूटर सहाय अधिगम को वह एक अतिरिक्त सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकता है,
तो इसका एक बड़ा लाभ है। कंप्यूटर सह अधिगम में एक और बड़ा लाभ होता है कि इसमें विद्यार्थी को तात्कालिक प्रश्न पोषण मिल जाता है, उसको फीडबैक तुरंत मिल जाता है। उसने अगली विषय वस्तु पर पहुंचने से पहले पिछली विषय वस्तु में उसने कितना सीखा, किस हद तक सीखा, उसका प्रश्न पोषण उसको मिलता है, तभी वह अगली विषय वस्तु पर जाता है। चूंकि अधिकांश समय विद्यार्थी स्वयं सारी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, स्वयं कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, स्वयं वीडियो देखते हैं, स्वयं ऑडियो सुनते हैं, स्वयं प्रश्नों के उत्तर देते हैं, स्वयं भी अगली विषय वस्तु पर डालते हैं, तो विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में अधिकतम समय तक सक्रिय रहते हैं। तो अधिकतम समय तक सक्रिय बनाए रखना ये भी इसका एक बड़ा लाभ है। इसमें प्रोत्साहन तुरंत मिलता है और इसका सबसे बड़ा लाभ उन विद्यार्थियों के लिए है जहां आपको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। हम सब जो शिक्षक शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं और शिक्षक भी इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि कक्षा में सारे विद्यार्थी एक गति से नहीं सीखते और एक समान नहीं सीखते। तो एक पाठ समाप्त होने के बाद जब अध्यापक उनका परीक्षण लेता है तो उसको लगता है कि कुछ विद्यार्थी कुछ क्षेत्रों में पीछे रह गए। फिर वो एक परीक्षण के माध्यम से ये जानने का प्रयास करता है कि वो किन क्षेत्रों में पीछे रह गए, जिसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। और जब वो उन क्षेत्रों की पहचान कर लेता है तो यदि अध्यापक उन क्षेत्रों पर आधारित कंप्यूटर से अधिगम प्रारूप में विषय वस्तु उनके सामने प्रस्तुत करे तो वह एक उपचारात्मक शिक्षण की युक्ति के रूप में प्रभावी प्रयोग कर सकता है। आपने विस्तार से इसके लाभ और अनुप्रयोग की चर्चा की जी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि कंप्यूटर से अधिगम के उपयोग की विभिन्न विधियां क्या हैं। जी हाँ, हमारे शिक्षार्थियों के लिए और हमारे शिक्षकों के लिए जानना आवश्यक है कि यदि कंप्यूटर से अधिगम के इतने लाभ हैं तो वो इसको प्रयोग कैसे करेंगे अपनी कक्षा में। क्योंकि प्रयोग विषय वस्तु या किसी भी विषय में चर्चा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षकों के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि उनको जो बातें बताई जा रही हैं, जिन विषयों की हम चर्चा कर रहे हैं, यदि उनको कक्षा में उनके अभ्यास के अवसर दिए जाएँ तो वे कैसे करेंगे। देखिए, कंप्यूटर से अधिगम के उपयोग की ऋषभ जी बहुत सारी विधियाँ हैं, परंतु यहाँ मैं चार मुख्य विधियों पर चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ और इन्हीं चार पर अपने वार्ता को हम लोग सीमित रखेंगे। पहली विधि है ड्रिल और अभ्यास विधि, दूसरी है ट्यूटोरियल विधि, तीसरे हैं सिमुलेशन एक्टिविटीज या सिमुलेशन आधारित क्रियाकलाप, और चौथा है मॉडलिंग या प्रतिमानीकरण। मैं एक एक पर विस्तार से चर्चा करता हूँ। देखिए, ड्रिल और अभ्यास हमारे सारे शिक्षक ये करते हैं, परंपरागत शिक्षण में भी ये करते हैं। गणित में बहुत बाद में प्रयोग होता है, अन्य विषयों में भी कुछ मात्रा में प्रयोग होता है कि विद्यार्थियों को हम निरंतर अभ्यास देते हैं, चाहे वो उनको कोई वर्तनी याद करने का अभ्यास हो, उनको व्याकरण से संबंधित अभ्यास हो, गणित के प्रश्नों को हल करने संबंधी अभ्यास हो, और ये मानते हैं कि वो जितना अभ्यास करेंगे उतना वो निपुण होते जाएंगे। कहावत भी है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो कंप्यूटर सह अधिगम में क्या होता है, इसमें विद्यार्थी को एक विषय वस्तु छोटी मात्रा में प्रदान करने के बाद उसको उस विषय वस्तु पर अभ्यास के बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे बहुत सारे अभ्यास कार्य हम इसमें बना लेते हैं या कुछ प्रश्नोत्तरियां बना लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बना लेते हैं और उनके उत्तर होते हैं। तो शिक्षार्थी को उसमें अनगिनत अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, वो जितनी बार अभ्यास करना चाहे भिन्न भिन्न रूपों से उसको अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि वह विषय वस्तु उसने जितनी पढ़ी है, जितना देखा है, जितना सुना है, उसका वह पूर्ण रूप से अभ्यास करके उसमें निपुण हो सके। तो एक तो उसमें अभ्यास के अनगिनत अवसर उपलब्ध होते हैं, साथ ही इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि शिक्षार्थी जब किसी प्रश्न को हल करने का या किसी समस्या के समाधान करने का पहला प्रयास करे, वह प्रयास में यदि सफल हो जाए तो अच्छी बात है, यदि सफल नहीं भी हो तो भी उसको प्रश्न पोषण मिले कि वह सफल क्यों नहीं हुआ। तो इसमें एक ये प्रयास किया जाता है कि उसके प्रत्येक किसी भी समस्या को समाधान करने के या किसी प्रश्न का उत्तर देने के प्रत्येक प्रयास के बाद प्रश्न पोषण की व्यवस्था इसमें की जाती है। साथ ही यदि उत्तर बार बार गलत हो रहा है, विद्यार्थी विषय वस्तु को पढ़ रहा है फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, उत्तर बार बार गलत हो रहा है, तो फिर इसमें संकेतकों की व्यवस्था भी की जाती है कि उसको उचित संकेतक दिए जा सकें ताकि अगली बार जब वो पढ़े तो उन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को पढ़े और फिर से प्रश्नों को हल करे। खासतौर पर तथ्यों की जानकारी देने में, नियमों की जानकारी देने में, कुछ कठिन विषय वस्तुओं के शिक्षण में ये विधि बहुत उपयोगी है।
खासतौर पर विज्ञान में, पर्यावरण अध्ययन में, गणित में, भाषा में, सामाजिक विज्ञान में, इन तमाम विषयों में हम ड्रिल और अभ्यास विधि पर आधारित कंप्यूटर सहायतित अधिगम प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी ही जो दूसरी विधि है वो है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होता है? देखिए, यदि इस ट्यूटोरियल शब्द को हम देखें तो इसका एक नकारात्मक पक्ष भी कई बार मस्तिष्क में आ जाता है शिक्षकों के। कई बार ट्यूटोरियल को शिक्षक ट्यूशन से जोड़ लेते हैं। यहां पर ट्यूशन से लेना देना नहीं है। ट्यूटोरियल और ट्यूशन दोनों का यदि शाब्दिक अर्थ हम लें तो शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति की विशिष्टता के आधार पर उसको कम मात्रा में विषय सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे कि वह अपनी गति के अनुसार सीख सके। तो ट्यूटोरियल की पहली विशेषता हो गई कि हम इसमें अधिगम सामग्री को कम मात्रा में प्रस्तुत करते हैं। एक बार में ही पूरा पाठ उसके सामने प्रस्तुत नहीं करते, एक पाठ को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और एक बार में उसको एक भाग ही प्रस्तुत किया जाता है। और जो छोटा भाग प्रस्तुत किया जाता है उसको पूर्ण करने के बाद उस विद्यार्थी को उसका प्रश्नोत्तर करने के या उस पर आधारित क्रियाकलाप करने के अवसर दिए जाते हैं और उसके पूर्ण करने के बाद उसको पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। साथ ही ट्यूटोरियल की एक और खूबी होती है, और कंप्यूटर साहित्य अधिगम में तो ये विशेषता है, कि उसमें आने वाली विषय वस्तु इस पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी की प्रगति की दर क्या है। विद्यार्थी की प्रगति की दर के आधार पर आगे आने वाली विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। यदि वह धीरे धीरे सीख रहा है तो आने वाली विषय वस्तु देर से आएगी, यदि वह जल्दी जल्दी सीख रहा है तो आने वाली विषय वस्तु शीघ्रता से उसके समक्ष आ जाएगी। साथ ही इसमें रैखिक क्रम में विषय वस्तु का नियोजन या समायोजन किया जाता है। तो इससे खासतौर पर ऐसी विषय वस्तु जहां आपको रैखिक क्रम में या क्रमिक रूप में विषय वस्तु प्रदान करनी है, जैसे कई बार गणित में जो कठिन प्रश्न होते हैं या कठिन सूत्र होते हैं जिसमें एक सूत्र को कई चरणों में सीखना होता है, या विज्ञान में कई बार निगमन के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां उनको विभिन्न सिद्धांतों का या नियमों का निगमन करना पड़ता है, तो वहां उनको क्रमिक रूप से आगे बढ़ना होता है। तो ऐसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में ट्यूटोरियल बहुत मदद करते हैं। खास तौर पर ऐसी विषय सामग्री जहां पर विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जो विश्लेषणात्मक विषय सामग्री है, जहां हम विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वो किसी वस्तु को, खासतौर पर भाषा में, भाषा कौशलों के विकास में, कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, इस तरह के जो विषय वस्तु है उनके अध्ययन के लिए ट्यूटोरियल एक महत्वपूर्ण विधि होती है। एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं सिमुलेशन क्रियाकलाप। ये सिमुलेशन क्रियाकलाप क्या होता है? ऋषभ जी, जब हम सिमुलेशन क्रियाकलाप की बात करते हैं तो जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट है, सिमुलेशन अर्थात कोई चीज, कोई प्रारूप को उसी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, हमने कंप्यूटर के सिमुलेटर देखे हैं। अगर हमारे अध्यापक कभी किसी अच्छे कार चलाने वाले संस्थान में गए होंगे तो वहाँ उन्होंने कार चलाने के सिमुलेटर देखे होंगे, या टीवी पर या समाचारों में ये देख सुना होगा कि कई बार जो लोग हवाई जहाज चलाना सीखते हैं उनको सबसे पहले एक सिमुलेटर पर अभ्यास कराया जाता है। तो सिमुलेटर क्या होता है? आभासी परिस्थिति में, आभासी स्थिति में वास्तविक परिस्थितियों को प्रदान किया जाता है। तो एक तरह से कंप्यूटर द्वारा निर्मित इस प्रकार की सामग्री एक वास्तविक प्रक्रियाओं की नकल होती है। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं, मान लीजिए बच्चों को हमें यह बताना है कि मेटलर्जी का जो टॉपिक है कि लौह अयस्क से लौह कैसे बनता है। अब या तो हम उसको उसकी विभिन्न चरणों को पाठ्यपुस्तक में लिखकर पढ़ा दें, या हमारे पास यदि संभव है तो हम उनको जहां लौह अयस्क से लौह बनता है ऐसे किसी फैक्ट्री में जाकर, कारखाने में जाकर उनको घुमा दें, लेकिन वो खतरनाक है। सब जानते हैं कि बात्या भट्टी जहां पर ये पिघलता है लौह अयस्क, वहां पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इतना उच्च तापमान होता है, उसके आसपास भी जाना संभव नहीं होता, और प्रक्रिया उसके अंदर घटती है। प्रक्रिया तो उसके अंदर घटती है, लौह अयस्क से लौह क्यों, वो कौन देखेगा? उसको वास्तविक परिस्थितियों में दिखाना संभव नहीं है, और यदि जीवंत परिस्थितियों में दिखाएंगे तो बहुत खतरनाक प्रयोग है। तो यदि हम उसका सिमुलेशन बना लें कंप्यूटर पर, यदि उसको सिमुलेशन के रूप में तैयार कर लें और उसको सिमुलेटेड परिस्थिति में, सिमुलेटेड रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, तो बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ लौह अयस्क किस पाइप से आता है, कहाँ गिरता है, कैसे तापमान आगे बढ़ता है,
किस प्रकार वो प्रस्तुत होता है। मॉडलिंग भी लगभग इसी तरह से काम करती है। जब हम मॉडलिंग की बात करेंगे तब दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम सिमुलेशन के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। मॉडलिंग सामान्यतः प्राकृतिक, पारिस्थितिक या मानव निर्मित संस्थान या मानव निर्मित जो यंत्र होते हैं उनका प्रतिमान बनाकर उनकी वास्तविक क्रियाविधि दर्शाई जाती है। आभासी रूप से जब हम वास्तविक क्रियाविधि को प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक प्रक्रिया को अभ्यास के अवसर के रूप में प्रदान करते हैं, तब उसको हम प्रतिमानीकरण या मॉडलिंग कहते हैं। इसका प्रयोग भी हम महंगे, खतरनाक या आसानी से उपलब्ध ना हो पाने वाले उपकरणों तथा प्रक्रियाओं के अनुभव में उपयोगी मानते हैं। अब आपने विस्तार से इन विधियों के बारे में चार पक्षों को लेकर समझाया और कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है जी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह भी है कि कंप्यूटर सह अधिगम की योजना कैसे बनाई जाए। हाँ, देखिए, शिक्षकों को एक तो ये जानना जरूरी था कि कंप्यूटर सह अधिगम के कौन से विभिन्न प्रकार हैं, कौन सी विभिन्न प्रविधियां हैं जिनका वे प्रयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना और देखा है वे लोग अब तक इतना तो समझने में सफल हुए ही होंगे कि कंप्यूटर सह अधिगम के बहुत सारे प्रारूप हैं और उन प्रारूपों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है योजना बनाने की, जब कंप्यूटर सह अधिगम की एक शिक्षक योजना बनाता है तब उसे सबसे पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है कि वह कंप्यूटर सह अधिगम को क्यों प्रयोग करना चाहता है। जैसे जब हम विभिन्न प्रणालियों का उदाहरण दे रहे थे, मान लीजिए कक्षा में एक शिक्षक को वर्षा चक्र पढ़ाना है, जल चक्र पढ़ाना है। अब या तो वो जल चक्र के उदाहरण देगा, जल चक्र का चार्ट दिखाएगा, परंतु यदि उसके पास उसका कोई सिमुलेशन मॉडल, उसको कहीं कंप्यूटर आधारित मॉडल मिल जाता है तो वह उस कंप्यूटर आधारित मॉडल का प्रयोग करके बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकता है कि किस प्रकार से जल में वाष्पीकरण होता है, कैसे उसमें संघनन होता है, कैसे उसका द्रवीकरण होता है, और वह तीनों प्रक्रियाएं एक सिमुलेशन के माध्यम से सिखा सकता है। तो उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। दूसरा, जब वह कंप्यूटर सह अधिगम की योजना बनाता है तो उसको यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसके यहाँ कितने कंप्यूटर उपलब्ध हैं भी कि नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सह अधिगम का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कंप्यूटर उपलब्ध हो और पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। यदि उपलब्ध नहीं है तो आप कंप्यूटर सह अधिगम का प्रयोग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो शिक्षकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि वो कंप्यूटर सह अधिगम प्रणाली का प्रयोग करना चाहते हैं तो उनके कितने कंप्यूटर हैं, किस प्रकार से उपलब्ध हैं, जहां कंप्यूटर है वहां स्थान कितना है। यदि वो चाहे कि उसकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी हैं और कंप्यूटर 10 हैं, तो क्या वह 3, 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह को एक कंप्यूटर पर बिठा सकता है। तो कंप्यूटर पर स्थान प्रबंधन किस प्रकार करना है ताकि कंप्यूटर पर सारे बच्चे एक साथ देख सकें। विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार उसको विधि का चयन करना होगा और उसके बाद कंप्यूटर सह अधिगम का क्रियान्वयन करना होगा जिसमें उसमें विद्यार्थियों को बताना होगा कि आज उसको किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसको उससे क्या सीखना है, वो उसको किस प्रकार अन्य क्रियाकलापों में समावेशित करेगा। जैसे यदि उसने सिमुलेशन पर या कोई मॉडल दिखाया तो वह विद्यार्थियों से कह सकता है कि इस मॉडल में विद्यार्थी जिन जिन चरणों को देख रहे हैं उनका अपनी कॉपी पर उल्लेख करें, अपने अभ्यास पुस्तिका पर उल्लेख करें, उनका क्रम निर्धारित करें, प्रत्येक क्रम में, प्रत्येक चरण में जो जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो ध्यान से देखें, कौन कौन सी सावधानियां बरती जा रही हैं वो ध्यान से देखें। तो इस तरह से कंप्यूटर सह अधिगम का क्रियान्वयन और प्रभावी क्रियान्वयन ये भी एक शिक्षक का महत्वपूर्ण, कहना चाहिए कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है। धन्यवाद गौरव जी, आपने विस्तार पूर्वक कंप्यूटर सह अधिगम की संकल्पना, इसके लिए आवश्यक संसाधन, विधि और लाभ पर चर्चा की। मैं अपने शिक्षार्थियों की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी विचारों को संक्षेप में हमारे लिए एक बार पुनः प्रस्तुत करें जिससे हम उसे बाद में समराइज कर सकें। जी ऋषभ जी, देखिए आज हमने जो चर्चा की उस चर्चा की हमने प्रारंभ किया कंप्यूटर सह अधिगम की प्रस्तावना से कि ये होता क्या है, इसके मुख्य लाभ क्या होते हैं। हमने ये भी आज चर्चा की कि कंप्यूटर सह अधिगम की कौन कौन सी प्रणालियां हैं जिनका प्रयोग अध्यापक कक्षा में कर सकते हैं, चाहे वो ड्रिल और अभ्यास विधि हो, चाहे वो ट्यूटोरियल विधि हो, चाहे वो सिमुलेशन हो या मॉडलिंग हो, इन सब का प्रयोग अध्यापक कर सकते हैं।
साथ ही हमने ये भी बात की कि जब अध्यापक इनका प्रयोग करें तो उनको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उनको कैसे विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, कैसे उद्देश्यों का चयन करना चाहिए, कैसे वहां पर जो संसाधन उपलब्ध हैं कंप्यूटर से संबंधित उन संसाधनों को ध्यान में रखकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद हमारे शिक्षार्थी और हमारे शिक्षक जो भी मित्र इसको देख रहे हैं वो इसको प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और अपनी कक्षा में यदि संभव हो तो कंप्यूटर सह अधिगम के माध्यम से विशेषता उन विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराएंगे जो विद्यार्थी सामान्य कक्षा में अध्यापक की सामान्य गति से सीखते समय कहीं पीछे छूट जाते हैं या उनकी व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताएं या व्यक्तिगत अधिगम शैलियां भिन्न होती हैं जिस कारण वो शायद पीछे रह जाते हैं, तो कंप्यूटर साहित्य अधिगम का वहाँ प्रयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आपके इस विचार से हम सहमत हैं और कंप्यूटर से अधिगम द्वारा हम अपने शिक्षण की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, अधिगम में भिन्नता को संवर्धित करने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अपने महत्वपूर्ण विचारों को हम सभी से साझा करने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।